जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि लोहा कैसे होता है, देखने में कठोर होता है, तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिन्हें हम पीट करके उनकी चादर बना सकते हैं। जैसे आपने अपने घरों में पेटियां देखी होंगी, या फिर संदूक वगैरह देखे होंगे, या फिर कोई और, जैसे आपके घरों में हम सेट लगाते हैं, हम अपने घरों के बाहर लगाते हैं, वो क्या होता है, वो पीट करके लोहा स्टील वगैरह की पीट करके हम उनको लंबी चादरों में ढाल देते हैं। उनकी क्या बनाई जाती है, लंबी चादरें। और इस गुण को, जो धातुओं का ये गुण होता है, इस गुण को बोलते हैं अघात वर्धनीय। तो ठीक है, अघात वर्धनीयता होता है धातुओं का वो गुण जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पीट करके उन्हें चादर बना देते हैं। और ये गुण कुछ एक धातुओं में होता है, जरूरी नहीं है कि सब धातुओं में हम पीट के चादर बना सकते हैं, लेकिन कुछ धातुओं में ये गुण होता है, जैसे कि हो गया आपका स्टील, हो गया आपका लोहा, हो गया, इस तरीके की कुछ धातुएं हैं जिनको हम पीट करके चादर बना सकते हैं, उन्हें कहते हैं अघात वर्धनीयता। इसके बाद दूसरे गुण की बात करें हम धातुओं के, भौतिक गुण की, तो वो होता है तन्यता। तन्यता होता है, आपने देखा होगा हम तारे होती हैं, जो हमारी एल्यूमिनियम तांबे की तारे होती हैं, वो क्या होती हैं, वो लंबी लंबी तार बनाई जाती हैं। आपने कभी कोयले की तार देखी है? नहीं देखी होगी। तो इस तरीके से जो अधातुएं होती हैं उनकी तार नहीं बनाई जा सकती, ठीक है? तो ये होता है तन्यता का गुण, जिसके द्वारा हम खींच करके तार बना देते हैं धातुओं को। जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, तांबा, सोना हो गया, चांदी हो गया। सोना का तो आपने दोनों में देखा होगा, उसके जब हम आभूषण लेने के लिए जाते हैं तो उसकी पीट करके चादरें बनाए जाते हैं, उसके मंगलसूत्र वगैरह होते हैं, और चांदी के भी ऐसे आभूषण बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीकों से पीट करके चादर बनाई जाती है और खींच करके उनकी तार बनाई जाती है। और इसके अलावा वैसे सबसे जो तन्यता का गुण होता है सबसे ज्यादा होता है चांदी के अंदर। चांदी को सबसे अच्छे तरीके से खींच करके हम उसकी तारे बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत महंगा होता है इसलिए हम उसकी तारों का यूज नहीं करते, इसलिए हम चांदी की बजाय तांबे का यूज कर लेते हैं तार बनाने के लिए। अब भी हम बात करते हैं धातुओं के अगले गुण के बारे में, भौतिक गुण, जो होता है कि विद्युत की चालकता। अब आपने देखा होगा हम जो तारे होती हैं, और तारे तांबे की बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर से क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो पास कर सकती है, वो आगे तक की तरफ जा सकती है। जैसे कि हम कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, हम प्लास होता है हमारे घरों में, प्लास में क्या होता है, प्लास का हैंडल जो होता है, प्लास का हैंडल किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का। अब वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है, उसका रीजन, उसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि के प्लास्टिक के कारण, प्लास्टिक कारण जो बिजली है वो हमारे हाथों तक नहीं पहुंचेगी। तो प्लास्टिक क्या होता है, ऊर्जा, उष्मा, बिजली का कुचालक होता है वो। लेकिन जो लोहा है, जो प्लास्टिक के आगे वाला भाग है, वो उसमें लोहा का बना होता है। लोहे से क्या होता है, लोहे से बिजली पार हो सकती है, जिनसे बिजली आगे की तरफ जा सके, जिसके हम सर्किट, हमारे घरों में तारे वगैरह बनाते हैं, जो भी चीजें होती हैं जिनसे बिजली उनके अंदर से पास कर सके, उनके अंदर से आगे जा सके, उनको हम बोलते हैं सुचालक। उसके अलावा जिनसे बिजली पास ना हो सके, जैसे लकड़ी हो गया, आपका कपड़े हो गया, और उसके बाद में आपका प्लास्टिक हो गया, इन चीजों को क्या बोलते हैं, कुचालक। तो आपको जो सुचालक होते हैं, वो होती हैं धातुएं। ज्यादातर धातुएं क्या होती हैं, उस विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अब जैसे आपको घर से क्या एक्सरसाइज करनी है, आज के लिए आपको करना है कि ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ धातुओं के, अधातुओं के, कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इनमें से पता करना है कि कौन सी सुचालक है बिजली की और कौन सी कुचालक है बिजली की। जैसे लोहा हो गया, आपको पता है लोहे से बिजली पास हो सकती है, जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे, सुचालक। इसके अलावा गंधक से आपको पता करना है, आपको कोयले से पता करना है, और तांबे की तार से पता करना है। इसके अंदर आप अपने आप से भी प्लास्टिक और सोना, चांदी वगैरह वगैरह, पानी, इस तरीके के कुछ चीजों का आप भी उदाहरण लिख सकते हैं अपने आप से। ध्वनिक गुण होता है। ध्वनिक गुण कैसे होता है, जैसे आपने मंदिरों में गए होंगे, आपके घरों में होंगे मंदिर, तो उनमें क्या होता है, घंटियां होती हैं उनमें, वो घंटियां किसकी बनाई जाती हैं, तांबे की। अब तांबे की ही घंटियां क्यों बनाई जाती हैं, आपने कभी सोचा है कि लकड़ी की घंटियां क्यों नहीं बनाई जाती? कभी आप दो लकड़ियों को, आप एक काम कीजिए, दो लकड़ियां होती हैं आपके पास में, मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास ये दो लकड़ियां हैं। अब इन दो लकड़ियों को हम ऐसे आपस में टकराएंगे,
इनसे ध्वनि उत्पन्न होगी, जो आप देख सकते हो कितनी हो रही है, मैं बिल्कुल जोर से भी टकरा रहा हूँ तो इनमें कोई ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर हमारे पास में दो धातुएं हैं, अब इनसे आवाज निकालेंगे, देखिए आवाज भी तेज आ रही है और टन की आवाज भी आ रही है, इसलिए मंदिरों की घंटियां इसलिए उसकी धातुओं की बनाई जाती हैं, क्योंकि उनसे कैसी आवाजें आती हैं, उनसे टन की आवाजें आती हैं। तो ये गुण हो गया, एक चौथा गुण हो गया आपका धातुओं का।